तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम करेला लिया है। हो सके तो आप इतने साइज़ का करेला लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। तो इसे हम छील लेंगे ऊपर से, इस तरह हमें इसके छिलके निकालने हैं पूरे। इस तरह हम सारे छिलके ऊपर से निकाल लेंगे। इसे भी कट कर लेंगे। अब हम बीच में से इस तरह कट करके इसका बीज निकालना है। तो इस तरह हमें बीज निकाल के इसे ऐसे खाली कर देना है। इसी तरह हम सारे करेले को छील लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले को अच्छे से छील के इसे इस तरह कट करके अंदर से बीज निकाल दिए हैं सारे करेले में। अब इसमें हम नमक लगाएंगे। तो अच्छे से हमें नमक लगा लेना है। नमक लगाकर इसे हमें आधे घंटे तक रखना है ताकि इसका कड़वापन सारा निकल जाए। तो आधे घंटे के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो आधा घंटा मैंने इसे नमक लगाकर छोड़ दिया था। अब इसे हमें 2-3 बार वॉश कर लेना है पानी से ताकि इसके अंदर का सारा नमक और इसका कड़वापन सारा निकल जाए। इसे अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया है। अब इसे हमें अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेना है। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरह सारा पानी निकाल दीजिए। तो मैंने सारा पानी अच्छे से निकाल कर इसे रखा है। अब इसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। इसमें मैंने थोड़ा तेल भी डाला है। तो तेल हम गर्म होने देते हैं। फ्राई के लिए मैंने तेल लिया है। तो फ्राई करने के लिए हमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही लेना चाहिए। तो तेल गर्म हो गया है, इसमें हम इसे डाल देंगे। तो तेल में डालते समय ध्यान दीजिए। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेना है। इसका कलर खुद ही चेंज हो जाएगा जैसे ये पकना शुरू होगा। ग्रीन से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसका कलर चेंज होगा। तो इसे इस तरह चलाते हुए हमें पकाना है ताकि ये इवनली सारे अच्छे से एक तरह से कलर आ जाए।
इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये करेले की ये करेला फ्राई 5 मिनट में बन जाता है। तो ये पक गया है, देखिए इसे हम निकालेंगे एक प्लेट में। तो मैंने सारे निकाल लिए कढ़ाई में से। अब मैंने उसी कढ़ाई को फिर से चढ़ा लिया है सारे तेल निकाल के। इसमें मैं आधा गिलास पानी डालूंगी। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा नमक, उसके बाद थोड़ा हल्दी, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर यहाँ पे मैं 2 चम्मच लूँगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। इन सारे मसालों को अच्छे से हम पकने देते हैं। तो इन्हें अच्छे से हम पका लेंगे इस पानी में। गैस को हाई फ्लेम पे रखना है। तो जैसे ही ये उबलने लगेगा इसमें हम ये हमारे फ्राई किए हुए करेले डाल देंगे। इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा हम ऊपर से चाट मसाला डालेंगे, इसे भी मिला लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे कर देंगे, उसके बाद हम इसे ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर हमें इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देना है मीडियम हाई फ्लेम पे, ताकि वो पानी करेला अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके और हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाए। तो 2 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। तो 2 मिनट हो गया है, हम चेक करते हैं। तो देखिए करेले ने सारे पानी को सोख लिया और एकदम मसालेदार करेला रेडी है। ये करेला बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ना आपको किसी चीज़ को भूनने की ज़रूरत है, ना कट करने की ज़रूरत है, ना फ्राई करने की ज़रूरत है। तो हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए एकदम मसालेदार करेला, और ये करेला खाने में कड़वा भी नहीं लगता है। जिन लोगों को करेला पसंद भी नहीं है वो भी एक बार ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।